हेलो एवरीवन, आप लोगों ने देखा होगा जो काम बहुत इम्पॉर्टेंट रहते हैं उसमें जनरली हमारा मन नहीं लगता। जैसे काम हो, पढ़ाई करना हो, या फिर कोई अच्छी चीज़ हो जैसे योगा करना, एक्सरसाइज करना या बुक रीड करना, उसमें हमारा मन नहीं लगता, कंसंट्रेशन नहीं लगता। और ये एक प्रॉब्लम आजकल बहुत कॉमन हो गई है। बहुत लोग बोलते हैं, स्पेशली यंगस्टर्स, कि काम करने की तो बहुत इच्छा है, बहुत बड़े बड़े सपने हैं, बट मेरा इंटरेस्ट ही नहीं आ रहा है, मेरा फोकस ही नहीं लग रहा है, कंसंट्रेशन नहीं लग रहा है। और बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बहुत सारा टाइम सोशल मीडिया पे वेस्ट कर रहे हैं, बहुत सारा टाइम हम गलत आदतों में जा रहा है। अभी हमें पता है कि अच्छा खाना खाना चाहिए, फ्रेश खाना खाना चाहिए, बट स्टिल माइंड को, हमारे जीभ को बहुत ज़्यादा क्रेविंग होता है वो जंक खाने में। तो ये सबको ठीक तो करना है बट पता नहीं कैसे। तो इसका कैसे ठीक करें, उसके पहले हमें ये जानना इम्पोर्टेंट है ये होता क्यों है। साइंटिफिकली स्पीकिंग, हमारे माइंड में एक डोपामाइन करके हार्मोन रहता है, जो जब भी कुछ खुश होते हैं, हम अच्छा लगता है, तो वो रिलीज होता है। इट्स अ प्लेजर हार्मोन जिसको बोलते हैं। बट कभी हम उसको थोड़ा ठीक से देखें तो इट्स मोर ऑफ लाइक अ डिज़ायर हार्मोन विच मेक्स अस डिज़ायर, एंड दैट डिज़ायर मेक्स अस मोटिवेट टू डू समथिंग। वो इच्छा रहती है जिसकी वजह से हम कुछ करते हैं। तो जो अच्छे काम हैं, जैसे कि पढ़ाई करना, जो इम्पोर्टेंट काम है, पढ़ाई करना, काम करना, या फिर बुक रीड करना, एक्सरसाइज करना, तो उसमें जो डोपामाइन रिलीज जो होता है वो कम अमाउंट में होता है। और जो दूसरा काम है, जैसे अभी जंक फूड है, अभी जंक फूड में खाने के पहले हमें पता है कि वो हमारे सिस्टम के लिए अच्छा नहीं है, बट हमें ये पता है कि उससे हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी, उससे ज़्यादा बहुत अच्छा लगेगा, तो माइंड को इंडिकेशन जाता है तो वो डोपामाइन रिलीज़ करता है, इसलिए हम उसको हुकअप रहते हैं। वैसे सोशल मीडिया, हमें पता है मैसेज आएगा कोई, तो अभी कोई लाइक करेगा, अभी कोई फॉलो करेगा, कोई अच्छा वीडियो आएगा, जनरली आजकल वीडियो भी वैसे ही बनते हैं, जिससे वो हार्मोन ट्रिगर हो जाए और वो रिलीज़ हो, ताकि आप लोग, ताकि हम लोग इस मोबाइल पे हुक्ड रहे और हम स्क्रॉल करते जाए करते जाए करते जाए। तो जब डोपामाइन ज़्यादा रिलीज होने लगता है, तो जब कम रिलीज होने वाले जो एक्टिविटी रहते हैं उसमें से हमारा इंटरेस्ट चले जाता है, तो जैसे कि पढ़ाई, जैसे कि काम करना, बुक रीड करना, इसलिए हम बोलते हैं कि यार अभी इच्छा ही नहीं हो रहा है। और जब इंटरेस्ट कम हो जाता है फिर कॉन्सेंट्रेशन भी उसमें नहीं लगता, फोकस भी नहीं लगता, राइट? सो दिस इज़ अ साइंस। अभी हम इससे बाहर कैसे निकले, हम ऐसा क्या कर सकते हैं कि जिसमें लो डोपामाइन रिलीज होता है उसमें हमारा इंटरेस्ट फिर से आए, वो एक्टिविटीज़ हम फिर से करने लगे, हमारा काम में मन लगे, और हमारा जो टाइम बहुत ज़्यादा वेस्ट हो रहा है सोशल मीडिया में, या फिर कोई एडिक्शन में, या फिर कुछ गलत हैबिट्स है जो हमको चेंज करनी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सो देयर इज समथिंग कॉल्ड एज डोपामाइन डिटॉक्स। एग्जाम्पल, अभी हम होटल में अच्छा अच्छा खाना खा रहे हैं, बहुत अच्छा अच्छा बेस्ट फेवरेट फूड खा रहे हैं, और आपको कोई बोरिंग सा राइस बॉल दे, या फिर आपको बोरिंग सी बॉइल्ड सब्जी दे, आपको ये खाओ, तो बोले नहीं यार, मैं ये खाने में, मेरा अच्छा जो खाना है उसमें ही खुश हूँ। बट वही खाना कभी आपको, आप बहुत ज़्यादा भूखे हो, कहीं पर अटके हो, बहुत ज़्यादा भूख लगी है, और वहाँ पर आपको कोई वो खाना दे, तो वो खाना भी अमृत जैसा लगेगा, वो बॉइल्ड खाना भी अमृत जैसा लगेगा, इजंट इट? तो वैसे ही होता है डोपामाइन डिटॉक्स में। सो बेस्ट वे डोपामाइन डिटॉक्स का, मैं मानता हूँ आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम है। तो उसमें क्या, 4 दिन हम ये मोबाइल से डिटैच रहते हैं, स्नैक फूड, जंक फूड जो रहता है उससे हम डिटैच रहते हैं, वो हम कंज्यूम नहीं करते, देखिए हमारे जो भी एडिक्शन है या फिर बुरी आदत है उससे हम दूर रहते हैं 4 दिन, तो जो डोपामाइन लेवल है, जो रिलीज है, वो अपना जो थ्रेशोल्ड है वो कम हो जाता है। और जब वो कम हो जाता है तो फिर जिससे कम डोपामाइन भी मिलता है, रिलीज होता है, वो एक्टिविटीज़ में भी मन लगने लग जाता है। इसलिए आप देखोगे बहुत से लोग जिन्होंने आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम किया है, वो कहते हैं कि कोर्स करने के बाद मेरा काम में मन लगने लग गया, मैं मोर फोकस्ड हो गया, मेरा अभी योगा, मेरा मेडिटेशन एक्टिविटी डेली रेगुलर हो गया है, ठीक है, और कंसंट्रेशन लगने लग गया है। क्यों होता है? क्योंकि वो डोपामाइन जो आपका थ्रेशोल्ड जो बढ़ गया था, ये सब एडिक्शन के ऐसे गलत हैबिट्स के ऐसे, वो पूरा फ्लश आउट होके वो अब कम हो गया है, तो वो
जो बीच के लेवल का जो है, जैसे पढ़ाई करना, रीडिंग करना, एक्सरसाइज करना, योगा करना, तो उसमें भी फिर इंटरेस्ट आना शुरू हो जाता है। इसलिए सभी लोग जो भी ये कोर्स करते हैं वो लोग बोलते हैं इट्स वन ऑफ द बेस्ट कोर्स, क्योंकि दिस इज़ द परफेक्ट साइंस बिहाइंड दैट। और अभी आप बोलोगे कि कभी डोपामाइन डिटॉक्स करना ही है, तो मैं घर पे ऐसे ही 2-3 दिन मोबाइल बंद रख लूँगा, जो भी मेरा जंक फूड में बंद रख दूँगा। हाँ, वो तो कर ही सकते हैं, बट एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम में आर्ट ऑफ लिविंग के एक बेस्ट चीज़ होती है जो रहते हैं बहुत सारे पावरफुल मेडिटेशंस। इट्स लाइक आपने डोपामाइन डिटॉक्स तक कर लिया, ठीक है, साफ सफाई तक कर लिया, बट अभी इंजन का ऑयलिंग करना है। ऑयलिंग करोगे तो गाड़ी बहुत अच्छे से ज़्यादा समय तक टिकी रहेगी। कभी आपको हर हफ्ते डोपामाइन डिटॉक्स करने की ज़रूरत पड़ रही है, तो शायद एडवांस कोर्स करने के बाद आपको 2-3 महीने में एक बार या 6 महीने में एक बार करने का ज़रूरत पड़ेगा। तो इसलिए कहते हैं कि एडवांस कोर्स बार बार रिपीट करते रहो। इट्स लाइक अ रिबूट टू योर होल सिस्टम, इट्स लाइक ऑयलिंग योर होल सिस्टम, राइट। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें भी, बहुत सारे लोग ऐसे भी है जो कहते हैं कि यार कोई भी चीज़ में इच्छा नहीं हो रही, कुछ करने की इच्छा ही नहीं हो रही, कोई चीज़ में मज़ा ही नहीं आ रहा है, पूरा लाइफ का रस निचोड़ गया है। तो ये क्यों हो रहा है? ये डोपामाइन बहुत ज़्यादा बढ़ने की वजह से हो गया, क्योंकि इतना बढ़ गया है उसका थ्रेशोल्ड लेवल, इतना बढ़ गया है कि जिससे किक मिलती थी अब उससे भी किक नहीं मिल रही है, वो भी चीज़ अब बोर होने लग रही है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड, कभी ऐसा हो रहा है तो जल्द से जल्द आप आर्ट ऑफ लिविंग का एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम कर लो। हर हफ्ते होते रहता है कहीं ना कहीं, अभी तो ऑनलाइन हो रहे हैं, तो आप जल्द से जल्द उसको रजिस्टर करके कर लो और करते रहो, रिपीट करते रहो। जब भी आपका सिस्टम ऊपर नीचे हो रहा है, जाओ रिपीट कर लो। इट्स अ वेरी गुड आइडिया कि हम डोपामाइन डिटॉक्स कर ले। सो दिस इज़ द साइंस बिहाइंड एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम। और आपने कभी आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम ना किया हो तो आप एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम नहीं कर सकते, तो आप जल्द से जल्द आर्ट ऑफ लिविंग का हैप्पीनेस प्रोग्राम कर लो। और अगर आपको करना हो तो मेरे वीडियो के नीचे डिटेल से आप उस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हो। इवन आपको एडवांस मेडिटेशन प्रोग्राम करना हो तो आप मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो। आई विल फॉरवर्ड यू द डिटेल्स। स्टे ट्यून्ड टू गेट मोर सच अमेजिंग वीडियोज़। थैंक्स अ लॉट।